हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम चोली बनाना बताएंगे। तो मैंने लहंगे की वीडियो डाल दी थी, आज मैं चोली बताऊंगी राधा रानी की। तो ये 6 और 7 नंबर के राधा रानी की चोली है, ईजली उनके आ जाएगी। और ये लहंगा मैंने बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। तो आप कोई भी साइज़ के लहंगा बना रहे हो तो उससे आप 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। मेरी ये 6 इंच की राधा माता रानी है, तो श्री जी हैं, तो उनके लिए देखिए मैंने 6 इंच का पूरा तैयार, ये मेरा 6 इंच कंप्लीट हुआ है। और ये लेस थोड़ी एक्स्ट्रा देखिए निकली हुई है, और नीचे हमारा ये 5.5 इंच का है। तो अब देखिए हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमने ये ड्राफ्टिंग के लिए पेपर लिया है, और इसकी हमने जो लेंथ ली है वो हमने 4 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है, 4.25 इंच, और इधर से हम 2.5 इंच लेंगे चौड़ाई, ठीक है। अब ये पेपर को हमें एक बार ऐसे करके फोल्ड करना है, तो हम इस तरह से एक बार ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिए हमने प्रेस कर दिया है फिंगर से प्रेस करने के बाद, अब इसमें हमें आर्म होल निकालने के लिए पहले हमें कंधा देखिए ऐसे नापना है, शोल्डर नापना है। तो हम पूरा ये देखिए 1 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के हम यहाँ पे शोल्डर नाप किया है हमने, और इधर से हम 3 पॉइंट लेंगे, 1, 2 एंड 3 लेंगे, जिससे हमारा थोड़ा डाउन में नेक आए, ठीक है। और ये देखिए ऐसे लेके हम इसमें नेक निकालेंगे, उधर से हम आर्म होल का शेप लेंगे। तो इधर से हमें ऐसे करके यहाँ पे हम 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसमें शेप देना है। तो देखिए अब इसको हमें ऐसे करके पहले बॉक्स बनाते हुए हमें इसमें ऐसे करके शेप देंगे, तो हल्का सा गोलाई देते हुए वी का शेप हमने दे दिया है। अब यहाँ से देखिए हमने ये मेरा पूरा 1.25 इंच हमने इसका चौड़ाई ली है। अब यहाँ से ऐसे नापेंगे, तो ये हमारा देखिए हमने इतना 1 इंच गैप किया है। अब यहाँ से आर्म होल का जो साइज़ है वो हम 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि हम ऑफ शोल्डर बना रहे हैं, शोल्डर नहीं रहेगा। और ऐसे करके हमारा ये देखिए शेप हमें ऐसे गोलाई में देते हुए और शोल्डर से मिला देना है, ठीक है। और इसको मिलाते हुए हमें अब इसको जो हमने शेप बनाया है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो ऐसे इजी वे में आप चोली बना सकते हो, तो इस तरह से यह कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह से हम नेक भी कट कर लेंगे, और इसको हमें बेस पे पहले कट करना है, फिर मेन कपड़े पे कट करना है। तो 2 पीस हमें इसकी कट करनी है, जैसा हमने शेप में चोली का शेप लिया है इसी साइज़ का हमें। तो इसमें हमने सीम अलाउंस यानी सिलाई का भी मार्जिन ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा चोली का ये शेप है, और इसको अब हमें कट करना रहेगा। तो पहले हम कट कर लेते हैं। तो ये हम बेस लिएंगे, और बेस के ऊपर हमें देखिए ये हमने बेस लिया है, और ये कंट्रास्ट में क्योंकि बना रहे हैं, और इसको ऐसे रखते हुए अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद जितना हमारा शेप है उसको हमें बस कट कर लेना है, हमें मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हम मार्जिन लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। और इसको पहले हम ड्रॉ करते हुए फिर बाद में कट कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसको कपड़ा लिया है और ये ब्रोकेट का लिया है, और उल्टा रखेंगे। ये देखिए हमें जो सीधा पार्ट है अंदर रखना है और उल्टा पार्ट ऊपर रखना है। अब यहाँ पे हमें ऐसे सिलाई करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें डोरी डालना है। तो डोरी के लिए हमने देखिए लटकन ली है, तो ये डोरी हमने पूरी 4 इंच ली है क्योंकि नेक के लिए बना रहे हैं। और ये हमने इसके लिए लटकन के लिए 1.5 इंच का स्क्वायर लिया है, और इसको देखिए इस तरह से कोने मिलाएंगे, और ठीक है डायगोनल ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करने का कोना ऊपर रखना है, और इसको ऐसे रखते हुए अब यहाँ पे हमें इसको अटैच कर लेना है। अटैच करके हम इसको सिल लेंगे, ऐसे करने से जो थ्रेड है वो निकलेगा नहीं, तो हम इसको सिल लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। सिलने के बाद अब इसको हमें सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको जो हमने सिला है उसको ऐसे निकालेंगे और डोरी को खींचते हुए आगे की तरफ निकालते हुए हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें दूसरी लटकन भी कंप्लीट कर लेनी है। और जो कोना पार्ट निकला है, कोने जैसा है, उसको हम सीजर से कट करके निकाल लेंगे। जैसे हमारा शेप इसका सुंदर सा है, तो ये हल्का सा जो कोना है उसको कट करेंगे तो ये देखिए शेप आ जाएगा लटकन का। और ऐसे हमें दो डोरी कंप्लीट करनी है, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमने ये पहले हमें मेन कपड़ा रखना है, तो सीधा पार्ट रखना है, उसके ऊपर डोरी रखनी है इस तरह से, ठीक है। मिड में रखना है, आर्म होल का वो जो शोल्डर है उसी के मिड में रखते हुए हमें अब ये जो बेस है इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर शोल्डर जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम पूरा हमें जॉइन करके सिल लेना है। तो पहले शोल्डर शोल्डर जोड़ लेते हैं। अब देखिए हमें साइड से स्टार्ट करेंगे, और साइड से स्टार्ट करते हुए अब हमें ये पूरा साइड के नीचे साइड नहीं सिलना है, और पूरा हमें जो गोलाई है, नेक है, और उसको सिलते हुए हमें ये कंप्लीट कर लेना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे करके सीधा कर लेंगे, हमने बैक से सिला था, अब इसको सीधा करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए इस तरह से सुंदर सा लुक आ गया है इसका। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया है, इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है। अब इसमें हम डॉट्स डालेंगे, तो उसके लिए हम पहले एक बार देखिए ऐसे फोल्ड कर लिया है हमने, और फोल्ड करने के बाद हमें इसका मिड लेना है, और मिड यहाँ से ऐसे नापेंगे, और ऐसे नापते हुए मिड लेते हुए और यहाँ पे हमें डॉट्स डालना है। तो ये देखिए इस तरह से वन इंच से हमें हाफ इंच पे आएंगे और यहाँ पे हमें डॉट डालना है। तो ये देखिए वन इंच है, वन इंच में जो हाफ इंच है वहाँ पे आते हुए यहाँ पे हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर हमें डॉट डालना है। ऐसे ही हमें इसको दूसरी साइड ऐसे दबाते हुए करेंगे, तो देखिए निशान बन गया है। अब इसी पर हमें डॉट डालते हुए इसको सिल लेना है, जिससे ब्लाउज़ का लुक आए। तो हम इसको ऐसे बस पकड़ेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे, ऐसी दोनों साइड हमें कर लेना है। अब देखिए हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, ब्लाउज को हम ऐसे आर्म होल साइड फोल्ड करेंगे। तो ये ऐसे फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हमें डॉट देनी है, तो यहाँ पे ऐसे करके हल्का सा डॉट देते हुए इसको सिल लेंगे। तो डॉट जैसे जो आर्म होल साइड होता है ना, वहाँ साइड हमें इसको डॉट देते हुए कम्प्लीट करना है, और ऐसे ही हमें दोनों साइड कम्प्लीट कर लेना है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे करके देखिए डॉट डालेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद टेढ़ा हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें डॉट डालना है, छोटा सा डॉट डालते हुए कंप्लीट करना है, जैसे इसका ब्लाउज़ का शेप है और लुक भी अच्छा लगता है ऐसे। तो इस तरह से देखिए हम डॉट डालते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये शेप आ गया है ब्लाउज़ का बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ऐसे। अब इसका जो नीचे का पार्ट है ये अभी ओपन है, तो हम एक स्ट्रिप लेंगे और स्ट्रिप यहाँ रखना है हमें, और ये हमने वन इंच स्ट्रिप ली है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, जितना हमारा ब्लाउज है उससे एक्स्ट्रा लिया है, तो हम एक्स्ट्रा इधर दोनों साइड दबा देंगे, ऐसे करके रखना है अंदर की तरफ करते हुए, यहाँ पे ऐसे रखना है, फिर ऊपर के साइड हमें इसमें पहले अटैच करना है। तो ये हम ऐसे करके ये देखिए रखते हुए पहले इसको अटैच कर लेंगे, हल्का सा
हम जो मेन ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको हम छोड़ते हुए करेंगे, जिससे इसमें बिल्कुल सुंदर सी फिनिशिंग आए। तो इसको देखिए, दूसरी साइड भी हम ऐसे फोल्ड करके और सिल लेंगे। तो इसको हम सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, हमें जो ब्लाउज हमने इसमें कपड़ा अटैच किया है, जो एक्स्ट्रा है, पहले उसको हम कट करके निकालेंगे। और निकालने के बाद अब इसको हमें पूरा पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए ऐसे रखना है और ऐसे फोल्ड करते हुए हम पीछे हेमिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये जो ब्लाउज़ का शेप है बिल्कुल सुंदर सा आएगा। सिलाई करेंगे तो लुक अच्छा नहीं लगेगा। और हेमिंग कर लीजिए या आपको जैसे भी कच्चा करना हो कर लीजिए, सुई की हेल्प से करेंगे तो सुंदर सा लुक आएगा। तो यहाँ पर हम इसको साइड साइड में पहले डोरी अटैच करेंगे और फिर इसको हम इसको यहाँ पे हेमिंग करके सिल लेंगे। अब देखिए, हम ब्लाउज़ को पीछे से ऐसे देखिए डोरी इसमें डालेंगे जो हमने ये कपड़ा अटैच किया है, और इधर साइड हमने देखिए डाल दिया है। और यहाँ पे डालते हुए अब इसको हम अटैच कर लेंगे, तो इससे ये डोरी इसमें अटैच हो जाएगी। आप चाहें तो चिट बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अंदर ऐसे डोरी रखनी है और ऊपर से ऐसे कवर कर लेना कपड़े को, और फिर हमें ये सिल लेना है। ठीक है, तो इसको सुई की हेल्प से ऐसे सिलेंगे कि हमारा ये निकले नहीं। तो ये हम ऐसे सिलते हुए कंप्लीट करेंगे, और पीछे साइड से जब हम ये डोरी अटैच कर लेंगे उसके बाद हम इसमें हेमिंग कर लेंगे, नहीं तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले इसको हम छोटा छोटा टक लगाते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे और डोरी को लेते हुए सुई में, और फिर उसके बाद इसमें भी एक बार सुई डालते हुए, लेकिन ये हमारी ये डोरी निकले नहीं, तो ऐसे करके इसमें डालेंगे और डालते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो हमारी ये डोरी निकलेगी नहीं चाहे जितना खींचे हम। और अब देखिए, इसको हम यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम हेमिंग कर लेंगे और हेमिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे पूरे में हमें हेमिंग करते हुए छोटी छोटी हेमिंग करेंगे और उससे कंप्लीट करते हुए हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो देखिए, ब्लाउज पहनेंगे तो ऊपर नेक में ऐसे ले जाते हुए हमें नॉट लगाना है, और पीछे बैक से ये डोरी वाला नेट लगाएंगे। तो हमारी डोरी वाली ब्लाउज देखिए कंप्लीट हो गई। तो देखिए, इस तरह से ये ब्लाउज कंप्लीट हो गई। आप जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।